नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि दोस्तों यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं, हम लोगों का दोस्तों NCL यानी कि दोस्तों नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से दोस्तों ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, इसमें एक नोटिस निकल कर आया हुआ है दोस्तों, जो कि आपके फीस से रिलेटेड है। तो जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं दोस्तों जो कि NCL यानी कि नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड में हेम ऑपरेटर के विभिन्न पदों पर फॉर्म अप्लाई किया और फीस कटाया हुआ है मात्र 1,000, तो उनके लिए दोस्तों ये नोटिस निकाला गया है। और इस नोटिस में देखिए, आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर दोस्तों जब आप लोग आएंगे तो यहाँ पर देखिए दिया गया है सूचना नोटिस। यहाँ पर आप लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए सूचना नोटिस, रोजगार अधिसूचना क्रमांक 538 दिनांक 7/8/2023 के संदर्भ में हेम ऑपरेटर प्रशिक्षु के पद के लिए कुछ आवेदकों के आवेदन के साथ आवेदन शुल्क जमा कर होने के संबंध में। यहाँ पर सूचना नोटिस यहाँ पर निकाला गया और अनेक्जेरी यहाँ पर ए यहाँ पर दिया गया है। नोटिस से पर दोस्तों क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए जो आपका पेज है कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए 12/9/2023 के डेट में दोस्तों यहाँ पर नोटिस दिखा रहा है। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि रोजगार अधिसूचना क्रमांक 538 दिनांक 7/8/2023 के संदर्भ में हेम ऑपरेटर प्रशिक्षु के निम्नलिखित पदों पर नियमित नियुक्ति के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता रखने वाले भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इस संबंध में यह अवगत किया जाता है कुछ आवेदकों के आवेदक के साथ आवेदन शुल्क कम जमा हुआ है। तो जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं दोस्तों जिनका की फीस टोटल 1180 रुपए लगने वाला था, मात्र 1,000 रुपए ही बस उनका डेबिट यानी कि कटा हुआ है, तो उनके लिए दोस्तों ये नोटिस निकाला गया। इस संबंध में अवगत किया जाता है कि संदर्भित रोजगार अधिसूचना के खंड 5 के अनुसार अनारक्षित या अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीम लेयर या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 1,000 के साथ लागू GST ₹180 कुल मिलाकर के आपको ₹1,180 यानी कि मात्र 1,180 रुपए आपको निर्धारित किया गया है। ठीक, तो टोटल देखिए जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि अनरिजर्व कैटेगरी और OBC नॉन क्रीम लेयर या फिर EWS के कमजोर वर्ग के लिए दोस्तों 1,000 + ₹180 GST था। ठीक, टोटल मिला के ₹1,180 आपका लगना था, लेकिन किसी स्टूडेंट का, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका की मात्र 1,000 रुपए लगा है, 180 रुपए नहीं लग पाया है, तो उनके लिए दोस्तों क्या है कि एक नया लिंक एक्टिव किया गया है। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि ऑनलाइन मोड के माध्यम से शेष राशि जमा करने के लिए, यानी कि 1,000 आपका कटा हुआ है और 180 रुपए आपको और जमा करने पड़ेंगे। ठीक, उसके लिए यहाँ पर देखिए बताया गया कि ऑनलाइन मोड के माध्यम से शेष राशि जमा करने के लिए NCL वेबसाइट पर एक लिंक होस्ट किया जाएगा, यानी कि अभी ये लिंक एक्टिव नहीं हुआ है लेकिन ये बहुत ही जल्द एक्टिव किया जाएगा, जो कि 13/9/2023 को 11 बजे से, यानी कि कल के डेट में 11/9/2023 में 11 बजे से, यानी कल 11 बजे से शुरू होगा ये लिंक एक्टिव होकर, और 30/9/2023 को रात 12 बजे तक आप लोग इस शेष राशि यानी कि 180 रुपए को जमा कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि किनका 1,000 रुपए लगा है, किनका 1,180 लगा है, इसके बारे में भी पूरा डिटेल यहाँ पर नोटिस जारी किया गया है। तो जो भी कैंडिडेट है दोस्तों जिनका कि 1,000 रुपए बस कटा होगा और 180 रुपए उनको जमा करना है, तो वो 14/9/2023 को 11 बजे से यानी कि कल से 11 बजे से ये मतलब अपना फॉर्म मतलब फीस सबमिट कर पाएंगे और 30/9/2023 तक आप लोग अपना सबमिट कर पाएंगे। और देखिये एग्जाम डेट वैसे भी पता चल ही गया है कि सितंबर में आपका कोई भी एग्जाम नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये लोग फीस ही 30/9/2023 तक ये लोग ले रहे हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए जिन आवेदकों का विवरण अनुलग्नक ए में दिया गया है, तो अनेक्जेरी का भी नोटिस मैं आपको दिखाने वाला हूँ, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपरोक्त निर्धारित समय के भीतर NCL की वेबसाइट पर दिए गए ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन शुल्क की शेष राशि जमा करें। अब देखिए NCL के वेबसाइट पर दोस्तों जब आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर देखिए अनुलग्नक ए यहाँ पर मिलेगा, आपको इस क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये जो नोटिस है ये आपका अनेक्जेरी आपको मिल जाएगा। लिस्ट यहाँ पर डिटेल्स ऑफ शॉर्ट डिपोजिशन ऑफ एप्लीकेशन फीस बाय द एप्लीकेंट, यहाँ पर सीरियल नंबर आपको मिल जाएगा, एप्लीकेशन सिक्वेंस नंबर, एप्लीकेशन सबमिशन डेट यानी कि आपने कब फॉर्म सबमिट किया था, और आपका फीस कितना डिपॉजिट किया गया, यानी कि आपका फीस 11, यहाँ पर देखिए 1,000 रुपए जितने लोगों को कटा है उनका यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा और पेमेंट ट्रांजेक्शन मिल जाएगा। और आपको देखिए यहाँ पर देखिए बैलेंस अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन फीस टू बी डिपॉजिटेड बाय द एप्लीकेंट, यहाँ पर 180 रुपए आपको और जमा करने होंगे, उसके बारे में यहाँ पर पूरा देखिए यहाँ पर लिस्ट दिया गया है। ठीक, ये लिस्ट आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। लिस्ट को डाउनलोड करने के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो ऑब्जेक्टिव सेंटर, ये जो टेलीग्राम चैनल है,
ठीक, ऑब्जेक्टिव सेंटर ये जो टेलीग्राम चैनल है इस नाम से आप लोग सर्च करिएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो वहां पर ये लिस्ट मिल जाएगा। ठीक, ये जो स्टूडेंट का नाम का लिस्ट है यहाँ पर और पेमेंट का लिस्ट है ये आपको ऑब्जेक्टिव सेंटर टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। ठीक, तो ये जो टेलीग्राम चैनल जिसमें 12,000 से ज्यादा कैंडिडेट है यहाँ पर मैं ये पीडीएफ और इसके बाद ये नोटिस वाला ये जो पीडीएफ है और ऑफिशियल वेबसाइट ये सभी का सभी लिंक मैं आपको देने वाला हूँ यहाँ पर। और ये जो टेलीग्राम का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, वहां से डायरेक्ट आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। तो यहाँ से जाके अपना दोस्तों कल से जो फीस सबमिट होगा उसका भी लिंक मिल जाएगा, पीडीएफ का भी लिंक मिल जाएगा जो कि आप अपना देख सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्त के साथ शेयर करिए दोस्तों। और देखिए दोस्तों ये जो objectivecenter.in ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों आप लोगों को इसको विजिट करना है। विजिट करने के बाद दोस्तों आपको नीचे जाना है, नीचे आपको एक यहाँ पर सेक्शन मिलेगा प्रीवियस ईयर पेपर का, तो प्रीवियस ईयर पेपर पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा एनसीएल हेम ऑपरेटर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पर क्लिक करके हेम ऑपरेटर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप लोग क्या करिएगा कि ये जो ऑब्जेक्टिव सेंटर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर फाइल्स वाले सेक्शन में जाएंगे यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर आप लोग सर्च करिएगा एनसीएल, एनसीएल नाम से सर्च करेंगे तो देखिए एनसीएल हेम ऑपरेटर का जो 2018 का ऑफिशियल पेपर है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, एनसीएल हेम ऑपरेटर का 2020 का जो ऑफिशियल पेपर है वो भी आपको मिल जाएगा। माइनिंग का अगर सर्वेयर माइनिंग का माइनिंग सिरदार का क्वेश्चन पेपर चाहते हैं ये सब आपको मिल जाएगा। ठीक, और देखिए जो भी कैंडिडेट दोस्तों अपना तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए मैं बता दूं दोस्तों कि आप लोगों को प्रीवियस ईयर का पेपर का जो सलूशन है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या फिर दोस्तों आप लोग ऑब्जेक्टिव सेंटर जो ऑफिशियल ये यूट्यूब चैनल पर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर एक प्लेलिस्ट मिलेगा दोस्तों। देखिए प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जब आप लोग जाएंगे यहाँ पर एक सेक्शन मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए एनसीएल हेम ऑपरेटर क्लास, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का क्लासेस भी लिया जा रहा है। तो यहाँ पर एनसीएल हेम ऑपरेटर क्लास पर यहाँ पर देखिए जो है आप एग्जाम से रिलेटेड, देखिए यहाँ पर वर्ष 2018 का पेपर मिल जाएगा, वर्ष 2020 का पेपर मिल जाएगा, और देखिए यहाँ पर हेम ऑपरेटर में आपका निगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं इसके बारे में पूरा डिटेल बताया गया है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका ये सिंबल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों जैसे कि रोड सेफ्टी और साइन ये सब जो रहते हैं इन सब के बारे में यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कराया गया है, तो आप लोग उसको जाके जरूर देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं दे दिया हूँ, तो वहां से आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। ठीक, बाकी कोई डाउट हो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जो लोग टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ से आप अपना प्रीवियस ईयर का पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, और जो फॉर्म सबमिट होगा फीस जमा करने का कल से उसका भी लिंक मैं यहाँ पर दे दूंगा जब वो लिंक एक्टिव होगा। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्त के साथ शेयर करिए। एनसीएल के ऑफिशियल वेबसाइट से आप लोग चाहें तो इस नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, वैसे मैं इस पीडीएफ को ऑब्जेक्टिव सेंटर टेलीग्राम चैनल पर डालने वाला हूँ। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।